मेरा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आज मैं आपसे बहुत से जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मेडिकल रिलेटेड होंगे, पर पहले जानना चाहूंगा कि नर्स आप क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दोज हु वांट टू मेक देयर करियर फॉर नर्सिंग। आई होप स्टूडेंट्स, नर्सिंग इंटरव्यू के अंदर हम आपको बहुत से क्वेश्चन देने जा रहे हैं जो नर्सिंग इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। अदर देन दैट, उम्मीद है आप हमारे दोनों चैनल से पीडी क्लासेस, बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। रितु, मैं आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले ये एक मॉक सेशन है। रितु, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि एक नर्स का वर्क प्रोफाइल क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? सर, एक नर्स का किसी भी मरीज की सेवा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सर, नर्स यही चाहती है कि वो अपने दवाइयों के साथ साथ वो अपने व्यवहार से भी मरीजों को जल्द से जल्द ठीक करे। अच्छा। और सर, आजकल क्या होता है कि नर्स के ऊपर लापरवाही के बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि ये उनके पास नर्सिंग स्टाफ कम होता है। इसके कारण एक ही नर्स कई वार्डों को नहीं देख पाती, जबकि फिर भी उनको एक ही नर्स को दो या तीन वार्ड एक साथ संभालने के लिए दिए जाते हैं। और आपके हिसाब से नर्स में क्वालिटीज क्या क्या होती है? हाँ जी सर, सर सबसे पहले क्वालिटीज तो नर्स के अंदर धैर्य होना चाहिए। और इसके अलावा सर, उसके अंदर सहनशीलता अच्छी होनी चाहिए। और सर, उसके अंदर कई घंटों तक काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और नर्स का जो स्वभाव है वो दयालु होना चाहिए। और इसके अलावा सर, नर्स से जुड़े हुए जितने भी घटनाएं होती है उसके प्रति अप टू डेट रहना चाहिए नर्स को। मेरा अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आज मैं आपसे बहुत से जीके क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो मेडिकल रिलेटेड होंगे, पर पहले जानना चाहूंगा कि नर्स आप क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, मैं नर्स इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल जाती थी, मेरे स्कूल टाइम में सर एक चैप्टर होता था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, लेडी विद द लैम्प का। हाँ जी सर, सर तो उस चैप्टर को पढ़ के मैंने बहुत कुछ सीखा सर। मैंने देखा कि उनके अंदर अपने सेवा, देश की सेवा के प्रति बहुत जुनून था और वो अपने जो कार्य को बहुत अच्छे से करती थी। और सर, मेरे भी कुछ ऐसा ही उनको पढ़ के, उनसे प्रेरित होकर मेरा भी इसमें रुझान और भी बढ़ गया है। और सर, इनके बारे में मैंने और भी बहुत कुछ पढ़ा था तो सर मुझे इसमें इंटरेस्ट हो गया। और सर, अगर मैं अपने इंटरेस्ट के साथ साथ देश की सेवा करने का अगर मुझे मौका मिलता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी सर। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब मैं आपसे जो क्वेश्चंस लूंगा सारे मेडिकल पोर्शन के क्वेश्चंस हैं, तो ये बताइए कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सर, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। ओके, और सबसे बड़ी बोन बता सकते हैं आप, अस्थि कौन सी है? फीमर। फीमर। अच्छा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? सर, एबी पॉजिटिव। ओके, और सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सर, सबसे लंबी पेशी यस आप ऑलमोस्ट सही है, सार्टोरियस। एक हृदय चक्र का संपूर्ण काल कितना होता है? सर, 0.8 सेकंड। वेरी गुड। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्लैंड हमारी, यस सर, पिटोरियस, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, बहुत बढ़िया। बायोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? सर, लेमार्क ने। वेरी नाइस। अच्छा, मानव मस्तिष्क का वेट बता सकते हैं आप? यस सर, बताइए। सर, मानव मस्तिष्क का वेट 1350 ग्राम होता है। ओके, बिल्कुल सही अप्रोक्सीमेटली आपने बताया। यस सर। अच्छा, रिकेट्स नामक एक बीमारी है बच्चों में, जो बच्चों में कौन से विटामिन से लगती है? सर, विटामिन डी की कमी से होती है। और ये इसमें बीमारी क्या होता है? सर, इसके अंदर बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और इससे अलावा और भी कई विकार उत्पन्न होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर, एडवर्ड जैनर के द्वारा। ये सर, बहुत अच्छा। शरीर में किस विटामिन की कमी से मांसपेशियां कमजोर हो जाती है? सर, विटामिन बी और डी की कमी से। ओके, और विटामिन ई का रासायनिक नाम बता सकते हो? टोकोफेरोल। यस सर। ओके, आरबीसी के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है? सर, विटामिन B12। बहुत बढ़िया। मनुष्य की हार्ट पंपिंग दर कितनी होती है? सर, मनुष्य की हार्ट पंपिंग दर 72 से लेकर 75 मिनट प्रति सेकंड तक होती है सर। ओके, अच्छा, स्वस्थ मनुष्य का शोषण दर कितनी होती है? सर, 18 से 20 16 से 18 बार प्रति मिनट। ओके, एक स्वस्थ व्यक्ति की रक्त की मात्रा कितनी होती है? सर, 5 से 6 लीटर। ओके, और रक्त का लाल जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है? सर, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गुड। लाल रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? सर, लाल रक्तकण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। ओके, और इसका निर्माण कहाँ होता है? सर, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है सर। ओके, और बताना चाहूंगा अस्थि मज्जा बोन मैरो
और जो ये जो खत्म होती है वो खत्म होती है जाकर, जिसे कहा जाता है ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ये होती है जाकर स्प्लिन में। WBC कणों का जीवन काल कितना होता है? सर 2 से 4 दिनों का इसका जीवन काल होता है सर। अच्छा, और WBC का मुख्य काम क्या होता है? सर WBC का मुख्य काम होता है शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर को रोगों से बचाना। Well done, good answering, you are giving. अच्छा मुझे बताइए कि विश्व का सबसे पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ खुला था? सेंट थॉमस हॉस्पिटल सर, लंदन में खुला था। अच्छा जी, एक आदर्श नर्स में आपने जितने भी हमें गुण बताए, तो क्या आप बता सकते हैं कि उनमें से आप में कौन सा गुण है? यस सर, मेरे में सहनशीलता का गुण है और अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हूँ सर मैं। okay. और अपने कार्य को पूरे ईमानदारी के साथ करती हूँ सर। चलिए फिर मुझे ये बताइए कि ICU क्या होता है? सर ICU की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट। और सर ICU एक इकाई है और इसको सर CCU भी कहा जाता है। okay. और सर इसका प्रयोग गंभीर रूप से घायल रोगियों के लिए या गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए किया जाता है। और सर इसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती है और कई और भी विशेषज्ञ होते हैं सर। ओके, चलिए आपने अपनी तरफ से अच्छा बताया। यस सर, जो रोगियों की हेल्प करते हैं। बहुत अच्छा। फर्स्ट फीमेल नर्स का नाम बता सकते हो? यस सर, सर फर्स्ट फीमेल नर्स का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और सर इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। वेरी गुड। ऋतु, वर्ल्ड नर्स डे कब मनाया जाता है? सर 12 मई को। और क्यों मनाया जाता है? सर वर्ल्ड नर्स डे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी कारण ये मनाया जाता है सर। ओके, क्या आप 2021 में जो वर्ल्ड नर्स डे हुआ उसका थीम बता सकते हैं? सॉरी सर। ओके, मैं बताना चाहूंगा, अ वॉइस टू लीड, अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये पर्टिकुलर थीम था वर्ल्ड नर्स डे का इस बार का। अच्छा मुझे बताइए कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है? सर किडनी में होता है। बिल्कुल। और कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं? सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बढ़िया बताया आपने। मानव की चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि कौन सा मस्तिष्क करता है? सर प्रमस्तिष्क। ओके, सेरेब्रम जिसे कहा जाता है। अच्छा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सर स्टेपीज, कान की हड्डी होती है। बिल्कुल सही कहा। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सर दांत के जबड़ों की। ओके, और प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सर प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट अमीनो एसिड। एक बेबी में अस्थायी दांतों का उगना कब शुरू होता है? सर 6 से 8 महीनों में। गुड। अस्पताल में संक्रमित सुई, ब्लेड आदि को किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? सर नीले रंग के। ओके, प्लास्टिक सिरिंज की एडवांटेज बताइए। सर प्लास्टिक सिरिंज डिस्पोजेबल होती है। okay. और सर ये जल्दी से टूटती नहीं है। right. और सर इसमें एयर जाने का रिस्क भी कम होता है सर। ओके, चलिए ऐसी कोई बीमारी बताइए जो सीधे संपर्क से फैलती हो। सर कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। बिल्कुल, कॉन्टेजियस इन्फेक्शन। और इन दिनों बहुत ही एक ड्रेडेड डिजीज चल रही है हमारे यहाँ पर। यस सर, कोरोना। ओके, व्हाई इंसुलिन इज नॉट गिवन ऑरली, कैन यू टेल मी द रीजन? यस सर, बिकॉज़ ये डाइजेस्टेबल होता है सर। ओके, इट इज डाइजेस्टेबल। चलिए अच्छा बताया आपने। ऋतु, क्या आपको एक्सपीरियंस है नर्सिंग जॉब का? यस सर। ओके, कहाँ पर आपने जॉब किया है? सर मैंने पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब किया है और सर मुझे 6 मंथ का एक्सपीरियंस है सर। ओके, देखिए यहाँ पर कई बार ऐसा होगा कि आपको नाइट ड्यूटी भी करनी होगी, तो आप नाइट ड्यूटी कर लेंगे? यस सर। ओके सर, मैंने पिछले हॉस्पिटल में भी कई बार नाइट ड्यूटी की है और सर मेरा मानना है कि अगर मुझे देश की सेवा करनी है, देश के लोगों की सेवा करनी है, तो मुझे दिन रात नहीं देखना चाहिए सर। बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइए, फिर आप जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? जब आप ऑलरेडी नर्सिंग में हैं, फिर आप हमारे हॉस्पिटल में क्यों आना चाहते हैं? सर क्योंकि जो मेरी प्रेजेंट जॉब है ना वो विलेज में है। ओके। तो वहाँ मुझे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। बाकी वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर्स है, वो सभी बहुत अच्छे हैं सर। और सर वो बहुत कोऑपरेटिव है और वो मेरे साथ भी बहुत कोऑपरेट करते हैं सर। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने स्टूडेंट्स को बेनिफिट देंगे कि लास्ट तक हमारा वीडियो देखने का क्या बेनिफिट मिलता है। तो यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जॉब में क्यों चेंज कर रहे हैं, तो यू कैन स्टेट आई वॉन्ट टू चेंज फॉर माई बेटरमेंट सर। आप अपना बेटरमेंट वर्ड यूज कीजिए। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं उस एनवायरमेंट की, आप उस माहौल की, यू वांट टू चेंज फॉर द ग्रोथ, फॉर द जॉब, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क, यू वांट टू वर्क अंडर अ बिग बैनर।
अगर आप इस तरीके की बातें करते हैं अदर देन डायरेक्टली गोइंग ऑन द सैलरी, देन यू कैन पुट अ बेटर इंप्रेशन इन द आईज ऑफ इंटरव्यूअर्स। आई होप जितने भी सेशन, जितने भी क्वेश्चन रितु ने हेल्प करी इस सेशन के अंदर, वी आर रियली प्राउड ऑफ हर एंड कीप इट अप एंड ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर।